आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा एसपी ने निजी सुरक्षा एजेंसियों को वर्दी का दुरुपयोग न किए जाने की सख्त हिदायत दी है। एसपी ने हिदायत देते हुए कहा कि पुलिस, अर्धसैनिक बल, होमगार्ड व सेना जैसी वर्दी सुरक्षा गार्ड नहीं पहन सकेंगे और अगर गार्ड वर्दी में पाए जाते हैं तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दरअसल रीवा एसपी राकेश सिंह ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जो सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाते हैं उनकी वर्दी पुलिस, अर्धसैनिक बल, होमगार्ड और सेना की तरह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सुरक्षा एजेंसी द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यदि निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विधिवत लाइसेंस बिना ही वायरलेस सेट का उपयोग किया जाता है तो भी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2005 में एक अधिनियम बनाया गया था जिसमें सुरक्षा एजेंसियों के निर्धारित जो मापदंड थे उनको पालन करना चाहिए। इसमें उनके अपने सुरक्षा गार्ड को एक निर्धारित यूनिफॉर्म थी वो पहनने के लिए, साथ ही उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराने के संबंध में, साथ ही जो आर्म्स गार्ड रखते हैं सुरक्षा एजेंसी वो आर्म्स गार्ड कहाँ रखेंगे, किस स्थान पर रखेंगे, किस व्यक्ति के साथ रखेंगे, इस संबंध में पुलिस को जानकारी देने के लिए निर्देश थे। साथ ही पुलिस से अनुमति लेने के भी उसमें प्रावधान किए गए हैं। इस संबंध में जो सुरक्षा एजेंसी इसका पालन नहीं कर रही है, साथ ही वो अपने गार्ड्स को जो पुलिस की यूनिफॉर्म या आर्मी की यूनिफॉर्म पहना देते हैं उन सभी को हिदायत देने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई कि वो लोग सतर्क रहें और शासन द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों का पालन करें जिससे किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। अगर इसके बाद भी कोई एजेंसी अगर इस तरह के नियमों का उल्लंघन करेगी तो उसका लाइसेंस निरस्त करने के साथ साथ उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।